एक मिनट तेल डालने से मुझे याद आया चंदू वो हमारी दोस्ती में बड़ा तेल डाल रहा है पता है अच्छा तो और क्या है देख तूने उसे अपने शो में रखा हाँ। और हाँ। उसको निकाल दे शो से यार करता ही क्या वो शो में आके ओए होए 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 ओए होए 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 ठाकुर तुम इधर किधर नहीं मैं तो वैसे इधर से गुजर रहा था मैं अर्चना जी को हाय हेलो बोल रहा यार तुम्हें बोला स्कूल में बच्चे छोड़कर आने तुम इधर आ गए एक मिनट संडे को कौन सा स्कूल खुला जहाँ से बच्चे लेके आने हैं मैं चेक कर रहा था कि ये भी काम तुम कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो तुम्हारा तो समझ में नहीं आता एक बोलते मुझे काम नहीं देते काम नहीं देते जब तुम्हें काम देते तुम काम करते ही नहीं हो यार कोई मेरे लेवल का काम दो तो मतलब चलते शो में तुमसे मसाज करानी शुरू करा दे यार वैसे अच्छा कपिल शर्मा ये बताओ इसने आग अभी लगा दी है या अभी शुरू है काम शुरू कर दी नहीं नहीं यार मैं तू मेरा दोस्त है मैं ऐसे काम करूँ तुम्हारे जैसे दोस्तों की वजह से इधर चाय बेचनी पड़ रही है वरना टैलेंट की कमी नहीं है मेरे में तो तेरे से चाय नहीं बन रही ना तालियां देखो ठीक है तेरे से चाय नहीं बनती तो किसी और से बनवा लेते हैं मैं बना के लाया हूँ ये देख तू सिर्फ टेस्ट कर ओके कर मतलब आग लग चुकी है तो आते तुमने भड़काना शुरू कर दिया एक मिनट इतना भी फ्री नहीं हूँ कि मैं इधर आके भड़काता रहूं मेरे बाहर चार पांच कॉमेडी शो चल रहे हैं यार ओए होए 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 हमारा एक चल रहा है हमारे पास टाइम नहीं है इसके चार पांच कॉमेडी शो चल रहे हैं फिर भी टाइम निकाल कर आ जाता सही पकड़ा हेलो कपिल तुम लोग शायद भूल रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया क्या बचपन में हमारे क्या डायपर चेंज करते रहे तुम क्या किया क्या है तुमने डायपर तुम लोगों को दुनिया मैंने दिखाई थी सब दुनिया हमने दिखाई है गरीब आदमी पहली बार बस में बैठा पासपोर्ट लेके चला गया ये है मेरे दोस्त लोगों की कुंडली में लिखा था राहु दोष केतु दोष मेरे ठाकुर दोष लिखा हुआ है कितना ढीठ है यार ये अच्छा अब मैं ढीठ हो गया कॉलेज में मेरे पीछे ढीठों की तरह घूमते थे कि बड़ा स्टाइलिस्ट है तू अर्चना जी अपने ग्रुप में सबसे पहले परफ्यूम मैंने लिया था हाँ तो जिससे ज्यादा स्मेल आती है परफ्यूम वही लेता है तू क्या ज्यादा उसमें चढ़ रहा है खुद पता क्या करता अगरबत्ती का चूरा बना के इधर उधर लगाता कहता खुशबू आती है तो खुशबू नहीं आती नहीं नहीं आती है लेकिन उससे पहले ना अगरबत्ती को आग लगानी पड़ती लगाऊं यार तुम बंदे हो कि जेठानी हो किसी की हर टाइम आग लगा लो आग लगा लो आग लगा लो ओए खबरदार अगर किसी ने जेठानी के नाम पे ताली बजाई तो आज हमारा देश तरक्की कर रहा है तो सिर्फ जेठानियों के दम पे क्यों जेठालाल जी वाह वाह वैसे मान गए तुझे उतने ड्रामे ना सीरियल में ननद नहीं करती जितने ये इधर काम लेने के लिए कर रहा है देखो जिठानी ननद खड़े खड़े चार करेक्टर कर दिए पिछले चार साल से एक ही करेक्टर कर रहा डर फटा मुक्त हो रहा चार करेक्टर कर लिए हाँ? चलो बाहर चलो 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 बाहर उसने वापस आ जाना आ गया मेरी बात चलना तो तू भी साथ चल मैं तो ऑलरेडी अच्छा चल रहा हूँ मैं क्यों जाऊँ बाहर कोई चल वल नहीं रहा बचपन से मैं आज तक इसको जानता हूँ मुझे बाहर निकालेगा ये हाँ? वो दिन भूल गया जिस दिन तेरे पास साइकिल था और मेरे पास फोर व्हीलर हाँ फोर व्हीलर पता कैसा ओपन एयर फोर व्हीलर ऐसे ऐसे करके चलता इसके हाथ देख लो यहाँ से पूरे सख्त है इसके हाथ ऐसे ऐसे करके चलाए अरे वो तो मैं नाटक की रिहर्सल कर रहा था सड़क पे कौन सा नाटक होता है नुक्कड़ नाटक नहीं भुक्कड़ नाटक भिखारी भीख मांग रहा था ऐसे ऐसे करके अच्छा पता तो देते क्यों नहीं थे क्या कर रहा है सुबह से लेके शाम तक जो पैसे इकट्ठे करता शाम को आके कुलचे खा के चले जाते थे तेरी कमाई कम थी हमने तो पिज्जा खाना था मुंह देखो इनके पिज्जे वाले शादी पे भी जाना होता था ना तो मेरा कोट पैंट उधार मांग के ले जाते थे और ये मेरी पैंट में दाल गिरा के लाता था हमेशा और ये उसी दाल के साथ दो चपातियां खा लेता था आई डोंट लाइक यू बोथ इन दोनों के रिश्तेदार पता नहीं कैसे इनकी शादी में चले जाना अजीब से रिश्तेदार हैं आप किसी को बोलते ना हेलो आगे से वो पट्टी निकाल लेते पेपर निकाल लेते हमारे गांव में ना आपदा आ गई जो आपको ठीक लगे दे दो
मैं लाइक नहीं करता इनको. आई डोंट लाइक बोथ. अच्छा वैसे अर्चना जी हमारे रिश्तेदार चलो ओरिजिनल तो थे. मैं तो इनकी शादी पे जब गया तो इनकी बुआ जी को पैरी पहना के मैं कहा बुआ जी पैरी पहना कहता बेटे मैं इसका फूफा हूँ. सारे रिश्तेदारों को साड़ियाँ पहनाई इसने. वो चिट लगा कर घूम रहे चाचा चाची मामा मामी. मैं तेरे को कितनी बार कहा एक्सपायरी डेट वाली ब्रेड ना खाया कर फिर तू ऐसी अजीब अजीब बातें करता है. देखो मेरी बात सुनो एक्सपायरी एक्सपायरी वो कुछ नहीं होता. ये मनगढ़ंत कहानियां हैं. वो जो थोड़ी कुरकुरी हो जाती है. मैं 15 दिन पहले मंगवा लेता हूँ ब्रेड तो उस पर वो अर्चना जी ग्रीन ग्रीन आ जाता है. लोग ब्राउन ब्रेड खाते हैं. आई लाइक ग्रीन ब्रेड. तो ग्रीन ब्रेड वगैरह खाई है मैंने तो इसीलिए मैं तो अपना अपने कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मेरे को मिला है. और जिन्होंने दिया ना अवार्ड उनके हाथ काट दिए प्रिंसिपल. हाँ और बिना हाथों के ऐसे ऐसे कर रही थी. उसकी बात का गुस्सा मान लिया है तो ऐसे ऐसे करना जरूरी 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 था. इम्प्रोवाइजेशन खबरदार इम्प्रोवाइजेशन किया तो ऐसे ऐसे करके इसने माथा चौड़ा कर लिया अपना. क्या जरूरत डेढ़ आदमी का माथा होता है इतना. ये देखो इधर यार तो कोई एड वैड लिखवा लो तुम कोई एलईडी लगवा ले कोई इधर. हो गई बातें. हाँ। ऐसी बकवास बातें करता है. हाँ। अगर यही चार जमाते पढ़ लेता ना ढंग से. हाँ। तो ऐसी बातें नहीं करता. पता है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं उनमें. हाँ। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है. यस बहुत यस. ट्रक के पीछे लिखा था ना जगह मिलने में पास दिया जाएगा. ये मोटरसाइकिल तेज कर गया ट्रक वाले को रोक के था. ये तो बता दो कौन से शो का पास दिया जाएगा. ट्रक वाले ने इसकी हेलमेट उतार के इसके मुंह पे थूका है. और ये इतना जलील आदमी है अर्चना जी उसको बोल रहा था कहता भाई साहब चूना आप कम लगाते हो. ज्यादा मत बोल तू मेरे पता ना मेरा तेरे को. मैंने भी इधर चूड़ियां नहीं पहनी. मैं कहता कपू शर्मा बोले मैंने चूड़ियां क्या मैंने साड़ी लिपस्टिक सब पहन लेना. फोकस देख लो इसका लड़ाई में भी फायदे ढूंढ रहा है. क्या फायदे मतलब तेरी शादी के कार्ड बांटे इसमें मेरा क्या फायदा बताओ. तू तो कार्ड बांट रहा था इसकी शादी. अगर तू शादी की घोड़ी नहला सकता है मैं कार्ड नहीं बांट सकता. सुना अर्चना जी इसने कार्ड बांटे थे तभी आपको नहीं मिला. मेरे को नहीं मिला था. इसने मुझे फोन करके बोला. मैंने 2 महीने पहले दे दिया था इसको. अब कुछ काम तो मैं ठीक भी करता हूँ. कोई काम नहीं ठीक किया. नहीं कोई काम नहीं ठीक किया. इसके कार्ड के ना फोटो कॉपी करा के ना 500 के बेचे इसने. कहता बॉलीवुड नाइट है बॉलीवुड नाइट है ले लो. कपू यार कुछ ऐसा कर कि मेरी भी ईगो हर्ट हो. तू गया नहीं अभी तक. बोलता मेरे को काम चाहिए काम चाहिए. एक काम दिया शादी में इसने वो तो ढंग से किया नहीं. पागल तेरा नाच रहा था उधर. अरे यार की शादी थी खुल के डांस किया यार. इतना खुल के डांस किया ना बधाई मांगने बुलाया. वो कहते परा पहले तू नाच ले यार. एक हफ्ते बाद भी मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि वो जो डीजे बंद होने के बाद भी पागल सा आदमी नाच रहा था वो है कि चला गया. वो जाए तो हम आए. इतना पागल है ये यार. इतना नाचा मैं इसकी शादी में. और एक बात मेरे को समझ में नहीं आई. जो लास्ट फंक्शन था शादी का उसमें जब नाच रहा था तो लड़की वालों ने आके मुझे मारा तूने रोका क्यों नहीं. विदाई के वक्त कौन नाचता है पागल. अबे तो विदाई के वक्त नागिन की ट्यून भी कौन लगाता है. वो हमारी दुल्हन कहीं छुपी हुई थी बाहर नहीं आ रही थी. हमने नागिन ट्यून बजाई वो बाहर आ गई. तू बड़ी कमियां निकाल रहा है. खुद की शादी करो तूने कार्ड भी नहीं दिया हमें. नहीं नहीं देखो उस वक्त ये फेमस नहीं था. अगर मुझे पता होता कि हमारे कपिल शर्मा ने द कपिल शर्मा बन जाना है मैं शादी का कार्ड मैं तुझे हनीमून साथ लेके जाता. हनीमून तो जैसे इसने अटलांटा में जाकर मनाया है. पहला आदमी है जिसने अपनी नानी के घर में जाकर हनीमून मनाया है. अरे यार वो भी नानी सारी रात खांसती रही दवाइयां देने में लग रहा. अंदर से बीवी कहती कुछ है प्रोग्राम के मैं निकलूं फिर. मैंने गलत है. मैं नानी के घर इसलिए गया था. देखो शादी में मेरे मामा नहीं आया. मामा नाराज था. अच्छा क्यों. तो मैंने कहा हनीमून भी मना लेते मामा मना लेंगे साथ में. मामा मनाने के चक्कर में जो बीवी रूठ गई उसका क्या. अच्छा ये देख लो अर्चना जी कैसा बंदा है. उधर कभी मामा को मना रहा है कभी हनीमून मना रहा है इधर शो के लिए कपिल को मना रहा है. ऐसे दोस्तों की वजह से ना लोग कोर्ट मैरिज करते हैं पता है.
तुझे तो पक्की करनी चाहिए थी। चार चार रिसेप्शन की है। एक रिसेप्शन कम कर लेता ना मेरे कर्जे उतर जाते। तेरे को क्या लगता है एक रिसेप्शन 1500 में होती है? देख 1500 कर्जा है अपने शो में रख रहे, वो भी उतरे, मुझे इससे भी कोई शिकवा नहीं है। ये भी अपना दोस्ती है, भाई है अपना। अच्छा एक बात बता, कृष्णा क्यों रखा था तुमने? करता भी क्या डांस करने के अलावा यहाँ पे? द कपिल शर्मा शो में 10 मिनट का सुपर डांसर करके जाता वो। हाँ भाई। एक मिनट, मेरा नाम लिया किसी ने? क्या प्रॉब्लम है? एक मिनट, मैं नाचूंगा, क्या प्रॉब्लम है? पसंद आया? अर्चना जी, मैं किसी के बाप का नहीं नाचता। हाँ जी सही बात है, ये अपने मामा का नाचता है। यार नहीं नहीं, वो इसलिए कह रहे थे कि स्टेप्स वगैरह देखे लगते हैं, इसलिए बोलते हैं। अरे ठाकुर, चश्मे उतारे लग रहा है। कैसा है यार ठाकुर? बहुत अच्छा। बड़े दिनों के बाद कहाँ गायब था यार? गायब क्या मतलब यार, वैसे ही पंजाबी फिल्में कर रहा था, 4-5 फिल्मों की बात भी चल रही है। अच्छा तो फिर इसको शो में नहीं ले पाएंगे? इज वेरी बिजी कपिल। नहीं नहीं, इज वेरी बिजी। नहीं नहीं, देख मेरी पंजाबी फिल्में ठीक वैसी है जैसी तेरी हिंदी फिल्में। अच्छा, जिनका कोई फ्यूचर नहीं है। कृष्णा मुझे एक बात बताओ यार, मैंने सुना कि तुम बात बात पे हाथ उठा लेते हो, ये सिर्फ बातें हैं? ओए कृष्णा, भाई को भड़काने की कोशिश मत कर। नहीं नहीं, मैं तो इनको ये भी बता रहा हूँ कि तुमने ये भी बोला था कि अगर इसमें से डांस निकाल लो, इसमें और वो बैंड वाले पांडे में कोई फर्क नहीं है। ओए मैंने नहीं बोला। मैं कब बोला मैंने? कब बोला? क्यों बोल रहा है ऐसे? इम्प्रोवाइजेशन भी कोई चीज होती है। नहीं नहीं, इम्प्रोवाइज ज्यादा मत करना तुम लोग यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ कपिल, ये सब ठीक नहीं चल रहा है यार। ये चंदन पंजाब से, भारती पंजाब से, अर्चना जी पंजाब से, ये बैंड वाला भी पंजाब से, अब ठाकुर भी पंजाब से, ये पंजाब का अलग ही नेपोटिज्म चल रहा है यहाँ पे। गलत बात है कपिल। अर्चना जी, बोल कौन रहा है? गोविंदा का भांजा। नेपोटिज्म की बात। हाँ तो मैंने उनको कौन सा मामा बना लिया? मेरे पैदा होने से पहले भी वो गोविंदा ही थे। हाँ है कि नहीं? ये देख लो, 4 पैसों के लिए रिश्ते बदल लेते हैं। खबरदार, बकवास नहीं करना है। क्या कपिल, क्या बकवास कर रहा है 4 पैसों के लिए? मैं तो 1 पैसे के लिए भी बन जाता हूं। मैं तो डर गया था। मैंने कहा भी इसके अंदर भी जमीर जा गया तो हमारे जैसे लोग कहां जाएंगे। यार ये आते ही बकवास कर रहा है कपिल मुझे। अच्छा कपिल से ही पूछ लो, कपिल सच बताना, जब से हम लोग जुड़े हैं सही नहीं चल रहा सर? सही चल रहा? और मैं इसका गुड लक हूँ, इसलिए इसने मेरे को साथ में रखा है। गुड लक नहीं, नजर बट्टू के दौर पे रखा हुआ है तेरे को। क्या ना अर्चना जी, नींबू मिर्ची से सस्ता पड़ता है ये हमको, तो क्या करें, बस रख लिया है। और मैं एक बात बताऊं, ये नजर बट्टू इससे भी सस्ता मैं पड़ता हूँ। ये जूते वैसे ही है, नीचे मैंने घोड़े की नाल लगवा रखी है। ये नाल नाल के चक्कर में मैंने बड़े नल्ले इकट्ठे कर लिए। देखो मैं आया हूँ पक्के पैर इस बार। ये देखो चिट्ठी लेके आया हूँ सोनी साहब की। सोनी साहब की? ये राम प्रकाश सोनी से कोई लेकर आ गया चिट्ठी? तो असली मैसेज मुझे आया है सोनी साहब का, ये देखो मैं भी पढ़ के सुनाता हूँ। प्रिय कपिल शर्मा स्लैश चंदू, इधर दिखा। स्लैश नहीं लिखा बे, स्लैप टू चंदू। यार लिखते हैं, ये ठाकुर हमारे ऑफिस 100 बार से ज्यादा आ चुका है, इसको समझाओ कि हम भगवान नहीं है। इसने सोनी के 16 सोमवार के व्रत रखे हैं। ऊपर से हमारी चलती मीटिंग में आया और हमारे एम्प्लॉयज के ऊपर जल चढ़ा के नारियल फोड़ गया। इसे समझा लो, नहीं तो हम सेट मैक्स में जो फिल्म आती है सूर्यवंशम, उसमें से ठाकुर साहब की जहरीली खीर निकाल के इसको खिला के मार देंगे। शर्म नहीं आती मुझे? क्या लगा के रखा है तू? टीवी का कवर क्यों पहन के आ गई? ठाकुर तुम कप्पू मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अगर तुमने शो में ऐसा वैसा लड़का रखा ना, तो तुम एक तो कोई ढंग का लड़का रखो। ए क्या बकवास करी, इधर तो देख पर्सनैलिटी।
तीन महीने में पहली बार तुम्हें पैंट में देखा है। हाँ? तू उसको बिना पैंट के देखती है? बकवास नहीं करना। मेरी बात सुनो, जो सारे प्रॉब्लम की जड़ है ना वो ठाकुर है, तो मैं तो कहता हूँ इसकी कंबल कुटाई करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, आइए ठाकुर साहब। एक 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 मिनट, मेरी बात सुनो। देखो बाल जल नहीं रहे हैं ना, प्लीज देखो चलते शो में ना, ये यार फूट डाले हैं, फूट डाले आइए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.